गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सो गुरु आखिर में क्या कहा शिष्य से कि ये सब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इस वेदांत का सार बता दिया है ना। वेदांत का सार बताने के बाद फिर शिष्य अपना भाव जो भी है उसको प्रकट करने लगा। ठीक है, तो वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्माद्वितीये श्रुतय प्रमाणम्। ये उपदेश इसके साथ समाप्त हुआ मुख्यतः। फिर इसके बाद में शंकराचार्य जी बीच में कहते हैं आदि शंकराचार्य अभी तक आज शंकराचार्य जी कहते हैं माने अभी गुरु के रूप में गुरु को वहाँ पे एक बिठाया एक शिष्य को बिठाया संवाद के रूप में विवेक चूड़ामणि को बताते आए हैं है ना। अभी शंकराचार्य जी कहते हैं गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् सतत्वम आत्मयुक्त्या सतत्वम परम सतत्वम अवगम्य प्रशमितकरणः समाहितात्मा क्वचिद अचलाकृति आत्मनिष्ठितो अभूत। शिष्य इस उपदेश के कारण श्रुति प्रमाण के द्वारा और परम सत्यम अवगम्य कैसे सतत्वम अवगम्य प्रशमित करणः अपने इंद्रियों को शांत करके समाहितात्मा बुद्धि और मन में एकदम समाहित अंतःकरण हाई कॉन्सेंट्रेशन और कुछ क्षण में एक शुभ क्षण में उन्होंने आत्मनिष्ठितः अभूत वे अपने आप में स्थित हो गए। ठीक है, और किंचित कालम समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम उत्थाय परमानंदात इदं वचनम अब्रवीत। कुछ समय के लिए उसी अवस्था में रहा। किस अवस्था में? समाधि अवस्था में रहा, सब ब्रह्ममय सब ब्रह्म को जान लिया और बाद में अपना जो भाव है ज्ञान है आनंद है रस सागर जो भी है वो अनुभव कर रहे हैं उसको एक उद्गार के रूप में प्रकट करते हैं एक घोषणा करते हैं कि ये है ये मेरा अनुभव करके क्या कह रहे हैं। बुद्धिर्विनिष्टा गलिता प्रवृत्ति
ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम् बुद्धेर्विनष्टा कलिता प्रवृत्तिः ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्। देखिए वे कह रहे हैं बुद्धिर्विनष्ठा, बुद्धि नष्ट हो गए माने बुद्धि गल गई। किसमें बुद्धि? देखिए बुद्धि का क्या काम है? विवेक। विवेक करना माने द्वैत में या अद्वैत में? अद्वैत में। तो द्वैत बुद्धि वाली जो बुद्धि द्वैत में ये करता है, अद्वैत में बुद्धि नहीं है। सो बुद्धि में जो द्वैतता, द्वैत भाव जो था पहले, वो सब खत्म हो गया। अब बुद्धि काम ही नहीं है, क्योंकि सब जगह ब्रह्म स्वरूप का ही अनुभव करने लगा। जिस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने अनुभव में ये सारा ब्रह्म ही है ऐसे अनुभव प्राप्त करने के बाद, जो द्वैत बुद्धि थी पहले, भेदभाव वाली बुद्धि, वो नष्ट हो गई। और बुद्धि नष्ट हो गए माने क्या है? यह शरीर है, यह मन है, ये है, ये दुनिया है, ये वस्तु है, मैं इससे भिन्न हूँ, इस तरह की वाले जब बुद्धि नष्ट हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं ना, ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माहे। ज्ञान माने क्या है? जहाँ पर किसी भी प्रकार का मान नहीं है और सब में ब्रह्म को देखते हैं, वही है ज्ञानी स्थिति। ज्ञानी की स्थिति या ज्ञान स्थिति। तो यहाँ पे वे कह रहे मेरी जो बुद्धिर्विनष्ठा, इसलिए गुरु लोग महात्मा लोग कहते हैं जब तक ये इस बुद्धि और मन द्वैत भाव द्वैत प्रपंच में काम करते हैं तब तक आत्मानुभव नहीं होगा। तो हमारे जो बुद्धि क्या है वर्तमान में, उसका हर चीज का विश्लेषण करे, उसमें द्वैत उत्पन्न करता है। इसलिए उपासना में भी भेदभाव से उपासना किया वो उसका फल अलग है, अभेद उपासना किया उसका फल अलग है। तो ये महात्मा, ये साधक कभी ध्यान व समाधि में, समाधि अनुभव किया, समाधि से बाहर आया, फिर वे कहने लगे जो मेरी जो बुद्धि थी पहले, भेदभाव देखने वाली जो बुद्धि, इसके कारण देहात्म बुद्धि जो भी है वो नष्ट हो गई। ब्यूटिफुल स्टेट। सेकंड क्या है? गलिता प्रवृत्ति ही। हमारे जो वासनाएं जो है अंदर, यहां पे देखिए वासनाओं के कारण प्रवृत्ति बनी रहती है। वासना अंदर से ठोकते रहते हैं बुद्धि मन को, मन शरीर को, इंद्रियों के द्वारा फिर काम, मतलब प्रवृत्ति बनी रही है। प्रवृत्ति का प्रवाह, वासना से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियां से फिर क्रिया है। जब वासनाएं खत्म हो गई, मैं अपने आप को जान लिया हूं, मैं इस पर बैठा हूं, आनंद मग्न हो गया हूं, तो प्रवृत्ति जो है सब नष्ट हो गए।
गुरुदेव कहते थे कि इंग्लिश में बोलूँगा, ये मैक्सिमम वासनास, मैक्सिमम डिजायर्स, मैक्सिमम एजिटेशंस, मैक्सिमम एक्शंस. मिनिमम वासनास, मिनिमम डिजायर्स, मिनिमम एजिटेशंस, मिनिमम एक्शंस. नेग्लिजिबल वासनास, नेग्लिजिबल डिजायर्स, नेग्लिजिबल एजिटेशंस एंड नेग्लिजिबल एक्शंस. नो वासनास, नो डिजायर, नो एजिटेशंस, नो एक्शन. गलती है ये. नो सेल्फिश एक्शंस. देखिए, वे करेगा तो काम सबकी भलाई के लिए करेगा, नहीं तो अपने आप में सिद्ध होकर बैठेगा. मगर प्रवृत्ति जो थी वो प्रवृत्ति बंद हो गई. स्थिति है भाई, ये स्थिति है आत्मस्थिति का. एक क्या कहते हैं, एक प्रमाण, दिक्सूची. अच्छा, ये हो जाएगा. सो बुद्धिर विनष्टा, बुद्धि विनष्ट हो गई, बुद्धि में कामनाएं नहीं होती, मन भी शांत हो गया. और गलिता प्रवृत्ति ही ब्रह्म आत्मनोः एकतया अधिगत्या. और मैं ये भी जान लिया हूँ ब्रह्म और आत्मा में एकता है. गुरु ने क्या कहा, ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च, कहा कि नहीं उपनिषद जस्ट दो तीन श्लोक के पहले? हाँ, ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च, यही श्रुतय प्रमाण, ब्रह्माद्वितीय श्रुतय प्रमाणम. तो इसका मतलब क्या है, अधिगत्या, समझ में आ गया कि मुझ में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है. तत्वतः इन एसेंस हम सब में दोनों एक ही है, दो नहीं है वहाँ पे, एक ही वस्तु है. एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म. तो अधिगत्या, अधिगत्या माने मैं प्राप्त कर लिया, प्रत्यक्षतः अनुभव से मैं ये जिसको जान लिया, जानकर अधिगत्या. इदम न जाने अपि अनिदम न जाने. अब ध्यान से सुनिएगा, इदम न जाने अनिदम अपि न जाने. मैं इदम को नहीं जानता हूँ, अनिदम को भी नहीं जानता हूँ. अब देखिए, ये दो शब्द जो है, इदम और अनिदम, किसका सूचक है? अनात्म प्रपंच का सूचक है. ये सूचित करते हैं किसको? अनात्म प्रपंचम, जो अनात्म वस्तु प्रपंचम जो है, प्रपंच जो है, अनात्म वस्तु जो भी है, जितने भी है, अनात्म वस्तु प्रपंच जगत, अनात्म जगत जो है उसको सूचित करते हैं दोनों शब्द, इदम और अनिदम. फिर इदम में क्या है, मैंने इसका मतलब क्या है, वे कहते हैं मैं अनात्म प्रपंच को देख नहीं रहा हूं. अभी क्या है, आत्मा अनात्मा इदम अहम, भेदभाव है ना. देखिए, ये चैतन्य, ये जड़, दोनों देख साफ साफ दिखाई देता है. ये चैतन्य है, एक जड़ है. तो यहाँ पे अनात्म प्रपंचम, अनात्म प्रपंच का मैं देख नहीं रहा हूँ. और माने इदम, इदम माने क्या है, इदम माने प्रत्यक्ष अनात्म प्रपंच. प्रत्यक्ष माने जो आपके आंखों के सामने, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, माने इंद्रियों के द्वारा जो जानने योग्य जगत जो है, वो ऐसे अनात्म प्रपंच इदम न जाने, मैं नहीं जानता हूं. means all the
मैं बताता हूँ, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आपके आपके अनुभव में इस सीमा के अंदर, इंद्रियों की सीमा होती है ना, तो इंद्रियों की सीमा, प्रत्यक्ष सीमा, जो भी वस्तुएं हैं वे कहते हैं इदम न जाने, वो सब इदम है, इदम को मैं नहीं जानता हूं। और अनिदम अपि न जाने माने परोक्ष अनात्म वस्तुएं जो है, जैसे कि आपके सामने नहीं है, आप देख नहीं सकते। स्विट्जरलैंड देख सकते क्या अभी? नहीं है। कोई ऐसा एक देश है, कभी आपने सुना नहीं होगा उसका नाम, कई देश है, नहीं देखा, तो उसमें वो क्या कहते हैं, अनात्मा अनिदम, अनात्मा मैं परोक्ष अनात्मा प्रपंच, वे परोक्ष है। अब ये महात्मा ये शिष्य कहते हैं अनुभव प्राप्त करने के बाद, इदम न जाने, ध्यान से सुनिए, अनिदम न जाने माने इसका मतलब क्या है, मैं अनात्मा करके किसी को नहीं देखता हूं, सब मेरे सामने ब्रह्म ही ब्रह्म है। देखिए, जैसे कोई कहता है मैं सोना को ही जानता हूं, आभूषणों को नहीं जानता हूं, कौन कहता है? दुकान वाले। मैं राम जी का एक राम जी की मूर्ति को लेके गया दुकान में, बोले दुकानदार से, भैया ये बेचना चाहता हूँ। गुरुदेव उदाहरण देते थे, रावण जी को भी है, हनुमान जी को भी लेके गया, सीता जी मैया सब सारे सोने से बनी सारे मूर्तियों को लेके गए दुकान में, और कहने लगा कि इसको मैं बेचना चाहता हूँ, पैसा दो। एक बड़ा हथौड़ी लेके सबके सिर पर मारने लगा, और कहते हैं वो बेचने वाला, देखिए ये तो राम जी है, देख के जरा ज़्यादा पैसा दे दीजिए, ये भगवान राम है, चाहे तो 2 रुपया कम कर लो रावण का। तो दुकानदार कहते हैं, भैया मैं न राम को देखता हूँ न रावण को देखता हूँ, मेरे सामने क्या पड़ा है, मैं केवल एक कितना सोना है, कितने किलो का है, कितना वजन कितना है, मैं यही देखता हूँ। इसी तरह इदम न जाने, इदम को इदम रूप में न जाने, इदम को ब्रह्म रूप में जानता हूँ, अनिदम को परोक्ष अनात्म प्रपंच जो भी है उसको भी मैं ब्रह्म रूप में ही देखता हूँ, शायद होगा परोक्ष, सब कुछ मेरे सामने ब्रह्म ही है, मैं सब कुछ ब्रह्म को ही देखता हूँ, ब्रह्म के रूप में ही देखता हूँ, और ब्रह्म के अलावा मेरे अनुभव में और कुछ नहीं है। देखिए, ये है इदम न जाने अपि अनिदम न जाने, और किंवा कियद्वा सुखम अस्ति अपारम, ये जो के अब कहते हैं किंवा सुखम अस्ति, इस सुख में जो भोग रहा हूं अनंत सुख, किंवा किस प्रकार का है वह सुख मैं नहीं जानता हूं। सुख तो है माने इट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। देखिए आप जो कुछ भी आप कुछ रसगुल्ला खाए हैं, और किसी ने जीवन में रसगुल्ला नहीं खाए हैं, और उससे पूछा जाए, आप खाकर पूछा कि ये बहुत बढ़िया है, उन्होंने पूछा कैसा है, बहुत मीठा है, उसको कभी भी समझ में नहीं आता रसगुल्ला का स्वाद खाए बिना। और खाने के बाद जैसे आप अपना अनुभव को बताने में आप कभी भी कामयाब नहीं होते, क्यों? मुश्किल है ना भाई, मैं क्या समझाऊं? आपने खाया, कैसा है? बहुत बढ़िया है, मीठा है, सुंदर है, स्वादिष्ट है, ये बोलते रहोगे तो समझ में आ जाता है क्या दूसरों के आदर व्यक्ति को?
तो बोलेगा भैया आप ये बकवास बंद करो, पूछो मत, तुम भी खा लो, मेरा समय बर्बाद मत करो। रसगुल्ले के जो स्वाद है मैं वो भोग रहा हूँ, वो मज़ा ले रहा हूँ उसका, अब मेरे को सताओ मत। इसी तरह इदम न जाने अपि अनिदम न जाने, और किं वा सुखम अस्ति, किस प्रकार का यह सुख है, कियत्वा इसका परिमाण क्या है, कितना है, नाप के बताओ। ये तो अपार अमृत सागर है, ये क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, इस सागर का विस्तीर्ण कितना लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, क्या है इसका नाप बताओ, मैं नहीं बता सकता हूं। ये तो अनंत सागर है, इस स्थिति में मैं पहुंच गया हूं। ऐसा शिष्य क्या कह रहे हैं, अभी बोलने लगे, मुंह खोल के अपना अनुभव जो था जो है उसका बता रहे हैं, मुंह से निकलते जा रहे हैं, भैया ये है ये है ये है। और उनके पास आके किसी ने पूछा, ठीक है भैया थोड़ा समझा दो, बोलते हैं वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा, मन्तुम न वा शक्यते स्वानन्दामृत पूरपूरित पर। ब्रह्माम्बुधैर्वैभवम् बुधैर्वैभवम् अम्बोराशि विशीर्णवार्षिकशला, भावं भजन्मे मनो यस्यां शां सलवे विलीनमधुना। नन्दात्मना निर्वृतं वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा, मन्तुं न वा शक्यते स्वानन्दामृतपूरपूरितपर। ब्रह्माम्बुधैर्वैभवम् अम्बोराशिविशीर्णवार्षिकशिला, भावं भजन्मे मनो यस्यां शां सलवे विलीनमधुना। आनन्दात्मना निर्वृतम्। आप ये श्लोक पढ़ने के बाद ये याद आना चाहिए था आपको, तपोवन षटकम में मन्थुं न शक्यो मनसा कदाचिद् वक्तुं न केनापि, है ना, तथा न वाचा बोद्धुं च बुद्ध्यादि, ऐसा है ना, ये श्लोक याद करना, यही अर्थ है। वे कह रहे हैं वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा, मनसा वाचा वक्तुम अशक्यमेव, पहले वाणी के द्वारा उस अनुभव के बारे में बताना संभव नहीं है, वाणी से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। ये तो एक्चुअली कहते उपनिषद तैतम यथोवाच, तैतम उपनिषद होंगे यथोवाचो निवर्तन्ते, ये
यतः वाचा निवर्तन्ते, वाणी को भेजा, जरा बता के आओ, कीर्तिगान करो, उस ब्रह्म का वाणी वापस लौट के आ गई, बोलते मेरे मेरे बस की बात नहीं है, मन को छोड़ा, मन रूपी रॉकेट को छोड़ा, जान कर आओ, मन वापस आ गया। यही कहते वाचा वक्तुम अशक्यमेव, मैं ऐसे जो भोग भोग रहा हूँ, गुरुदेव उदाहरण कहते थे कि किसी में गलती से उनके दो उंगलियां फ्लैग के अंदर घुस गई, शॉक मारा, उसी समय किसी ने कमरे में गया, क्या हुआ क्या हुआ, बोले शॉक मारा मुझे, शॉक कैसा होता है पूछा उन्होंने, तो इसमें बोला मैं बता नहीं सकता हूँ, शॉक शॉक ही है, कुछ कुछ होता है अंदर, क्या होता है बताओ ना, तो उन्हें कहा एक काम करो तुम भी पांच उंगलियां पहले बंद करो, दो खोलो, खोलने के बाद सीधा प्लग के अंदर घुसा दो, प्लग स्विच ऑन कर दो। वो किया, उसको शॉक मारा, फट निकाल दिया हाथ, दो उंगलियां बाहर आ गए, देखा कैसा लगा, बाद में दोनों मुंह से बात नहीं करते, वाणी से, दोनों शांत हो गए, क्योंकि जब दोनों का अनुभव एक ही है, वाणी का कोई जरूर नहीं है वहां पे। देखिए दोनों रसगुल्ला खा रहे हैं, दोनों मजा उठा रहे हैं, बोलने की जरूरत है, देखिए बोलेगा इसे, देखिए वाचा वक्तुम अशक्यमेव, मंथुम मनसा न वा शक्यते, मंथुम माने मन के द्वारा मनन करके बताकर, मन में क्यों जैसा अनुभव मिला आपको, मन से मनन करना, मन से जानना संभव नहीं है, ये मन से परे है, वाणी से भी परे है, इसके बहुत ध्यान करना चाहिए सबको। मैं एक बात बताता हूँ, कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा, आपको सुनना पड़ेगा। इस जन्म में जहाँ तक ध्यान में आप अभिवृद्धि पा सकते हैं पालो, छोड़ना नहीं ध्यान, तो अगले जन्म में जहां छोड़ा वहीं से शुरू होगी रॉकेट आपकी। प्रशमिता करण जिसे कहा गया, अंदर जाना है, या अंदर जाना जाना के कहां जाना है, अंदर जाना है माने बाहर के जो डिस्टर्बेंसेस जो होती है मन में संकल्प, उन सबको शांत करते जाओ, अब अपने आप को भीतर ही देख लोगे। आप भीतर ही है, मगर तादात्म्य उपरतल भाग जो भी है, ऊपर वाले जो भी है उसके साथ तादात्म्य है, ऊपर वाले वृत्तियों को शांत किया तो मन निवृत्त हो गया उधर से अपने आप, तो भीतर जाएगा, भीतर अंदर जाएगा, और निवृत्ति में आप अंदर चले जाओ। अब सात्विक सुख जो पाते हैं ध्यान में, किसी भी प्रकार का आनंद जो भी आप स्थिति को अनुभव करते हैं ध्यान में, जैसे जो भी आप अनुभव करते हैं माने मन में शांत, उस अनुभव को भी आपको बताना बहुत कष्ट होगा, मुश्किल होगा। पर ब्रह्मानुभूति के बारे में क्या कहा जाए, जैसे कि आपके मन में एक अद्भुत आइडिया आया है, सूक्ष्म आइडिया,
उस सूक्ष्म आइडिया को बताने के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए कितना मुश्किल होता है बताओ। अच्छा, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो भाव है, जो समझ है दुनिया के बारे में, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, आध्यात्म ज्ञान, आपके अंदर जो मन में बैठा है, जो ज्ञान बैठा है अभी, उस ज्ञान को किसी ट्राइबल के साथ समझाने के लिए प्रयास करो। अमेजॉन और अफ्रीकन ट्राइबल्स और कहीं कहीं ट्राइबल जो नंगे घूमते हैं, उनके पास जाकर आत्मज्ञान पढ़ाओ। पहले सबसे पहले वो नजदीकी आने नहीं देंगे आपको। ऐसे ऐसे क्षेत्र है पृथ्वी में, इसका भी ट्राइबल्स डोंट अलाउ यू टू कम नियर देम। अब कैसे पढ़ाएंगे? सो उनको एक नागरिकता सिखाना, एक नागरिक बनाना कितना कठिन है, समझ में आ गया? तो इसलिए मनसा मंथुम नवा शक्यते, मन से मनन नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा उस ग्रहण का नहीं कर सकते। किस चीज को? उस ब्रह्म तत्व को। अनुभव में आया, मनन करो, मन में एक भाव के रूप में प्रकट करो, नहीं होगा, मन से भी ऊपर है। और ये क्या है मन से पर? क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? परब्रह्म अम्बुदेहे वैभवम, पहले वो बोलना था पहले मुझे। परब्रह्म रूपी सागर, परब्रह्म सागर, अम्बु मने सागर, परब्रह्म सागर उसका वैभव, उस परब्रह्म रूपी सागर का वैभव। अच्छा, परब्रह्म रूपी सागर आप कह रहे हैं वो कहाँ है? बोलते हैं स्वानंद अमृतपूर पूरित, अमृतपूर पूरितम, वो तो वो परब्रह्म रूपी जो सागर है वे अमृतपूर पूरी, पूर माने ओवरफ्लोइंग, पूरितम फिल्ड, पूरा एबंडेंस, पूरा पूरितम, पूरा पूरितम पोएटिकल एक्सप्रेशन, कंप्लीटली फिल्ड बोलते कि नहीं हम लोग? वही कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड दो, कंप्लीट हो गया ना। द फिल्ड मीन्स इज ओवर, नो, कंप्लीटली नॉट रिक्वायर्ड, यू नो अंडरस्टैंड इंग्लिश? हम क्या कहें? कंप्लीटली फिल करो, कंप्लीट फिल मीन्स कंप्लीट ओनली। इसके इंग्लिश में भी कहीं कहीं ऐसे एक्सप्रेशंस बहुत होते हैं। इसी तरह पूरा पूरित माने ये आनंद रूपी उस सागर क्या है, परब्रह्म रूपी सागर है, उस सागर का वैभव। और सागर का सार क्या है, स्वरूप क्या है? अमृत पूर पूरितम, अमृत से भरा हुआ वो सागर। अमृत से भरा माने सागर अलग है, अमृत अलग है? नहीं, अमृत रूपी सागर है, ये पोएटिक एक्सप्रेशन है। उस अमृत रूपी, अनंत अमृत रूपी उस सागर का जो वैभव। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ऐसे ब्रह्म है, ब्रह्म का सागर है, उस सागर में वो सारा अमृत से भर पड़ा है, अमृत से भरपूर भरा हुआ उस सागर का वैभव। अच्छा, मुझसे भिन्न नहीं, स्व आनंद, ये मुझसे भिन्न नहीं है, वो आनंद सागर, अमृत सागर किसका है? मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही आनंद है, मैं ही वह हूं, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि ब्रह्मा अहम अस्मि, अहम अस्मि ब्रह्मा अहम अस्मि।
तो यहाँ पर कह रहे हैं भाई स्व आनंद अमृत पूर पूरत ब्रह्मांबुदेहे वैभवम, उस वैभव को वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसामंतम नवा शक्यते, उस वैभव का वर्णन वाणी से करना संभव नहीं है और उस वैभव को मन में उतारना, मन की भाषा में वृत्तियों में उतारना, मन के द्वारा पकड़ना भी संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? वैभवम, किसका वैभव? ब्रह्म रूपी सागर का वैभव, उसका स्वरूप क्या है? आनंद से भर पड़ा है, वो कौन सा है, किसका है? अपना ही है। स्वानंद अमृत पूर पूरित परब्रह्म अम्बुदेहे वैभवम वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसामंतुम न वा शक्यते। कौन कह रहे हैं ये? शिष्य। गुरु का बोध हो गया, बाद में फिर आएगा गुरु। शिष्य बोल रहे हैं आहा ये मेरे अनुभव है, मैं कैसे समझाऊं, किसको समझाऊं, ये तो वाणी के द्वारा भी परे है, मन में भी पकड़ नहीं आ रहा है, माने मन स्टन हो गया। ठीक है, अब जरा एक बताता हूं आपको, जीवन में भी कभी कभी ऐसे अनुभव हम देखते हैं वहां पे मन स्तब्ध हो जाता है, मुंह से कुछ निकलता नहीं, मन में भी कुछ कोई आलोचना कोई वृत्ति नहीं होगी, एकदम स्टंड बोलते, स्टंड बोलते, स्टंड शॉक्ड। कई बार होते हैं ना नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण शॉक्ड मन, मन ही नहीं, अटक गया मन, मन मन हो जाता वहां पे, मन स्तब्ध हो गया। उसको बाद में करो, बात करो, कई कई कुछ लोगों को एक साल लग जाएगा, कुछ महीने कुछ समय के बाद धीरे धीरे फिर वार्तालाप करेंगे। ऐसे लौकिक अनुभव में भी कभी कभी शॉक लगने के कारण मन स्तब्ध हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा। कोई ऐसा चीज आ, शॉक हो गया, बोल नहीं पाता, क्या देखा बता नहीं पाता, डर से भरा है, कहीं पड़ा है, डर से पड़ा है, बोलो किस बात का डर है, बोलो। हाँ, ये तो आनंद अमृत सागर है, मन चुप बैठ गया, वाणी चुप बैठ गए। तो अब देखिए, अब अंभोराशि विशीर्ण वार्षिक शिला भावम भजन मे मनः। अब देखिए उस आनंद अमृत के यहाँ पे देखिए अंश अंशांश लवे है ना, अंश अंशांश लवे। आप देखिए इसका मतलब मैं इंग्लिश बताता हूँ, पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इन्फाइनिस्टिमल पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रह्मन। उसमें ब्रह्म सागर अलग है ना, मेरा मन उसमें विलीन हो गया। कैसे विलीन हो गया? कह रहे हैं देखिए वार्षिक शिला भावम, हेलस्टोन, हेलस्टोन होता है, हेलस्टोन आइसबर्ग आइस क्यूब ऊपर से पड़ता है, जैसे आइस क्यूब होता है ऊपर से, जब बारिश के दिन जो होता है ना उबले, एक वो अनंत सागर है। जान सुनिए, आइस किससे बनता है? पानी से, सागर भी पानी ही है, मगर वो छोटा सा जो आइस ब्रह्म के
part of the part of the part me amsha amshamshave lave small portion of the brahman me ye mera man doob gaya ambho rashi vishirna varshika shila bhavam bhajan me manaha मेरा मन क्या हुआ उस मान आनंद अमृत सागर के एक अंश के भी एक अंश ने अंश के अंश के अंश में मिल गया मर्ज्ड सो गुरुदेव क्या कहते हैं Mind is Brahman. मन में क्या होती है मन क्या है वृत्ति प्रवाह ध्यान से सुनिए वृत्ति माने क्या है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है थॉट माने क्या है अब देखिए आप कहोगे मुझे एक थॉट आया सुनिएगा अब आगे मत बढ़िए कुछ है ही नहीं आगे थॉट माने मैं पूछूंगा किसका माने वृत्ति के गर्भ में कोई वस्तु होना चाहिए एक थॉट आया चेयर का थॉट आदमी का थॉट धन का थॉट संपत्ति का थॉट विचार एक विचार का एक थॉट का एक रूप रंग होता है योग शास्त्र में एक रूप है रंग है कोई माने थॉट ध्यान से सुनिए गोल्ड In the form of chain is gold chain. है या नहीं इसी तरह है मन में जो थॉट आया कुर्सी का थॉट आया कुर्सी का थॉट आया माने मन में कुर्सी का रूप अंदर गया है ना वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति कुर्सी की वृत्ति कुर्सी का रूप मन में आया किस पदार्थ से वो स्वरूप बना मन में रूप आकृति बनी है वो आकृति किस पदार्थ से बनी ये प्रश्न है माने वो पदार्थ आकृति से बिना है जिस पदार्थ से मन में एक वृत्ति बनती है ना वह पदार्थ जो है उस आकृति से भिन्न है जैसे सोना आकृति से भिन्न है जिस पदार्थ से सोना बना सोना नहीं आभूषण बना है उस आभूषण से सोना भिन्न है ना अच्छा गोल्ड चेन माने गोल्ड इज चेन अब देखो कितना ज्ञानी हो गए आप लोग गोल्ड चेन माने गोल्ड इज गोल्ड चेन नहीं नहीं गोल्ड इस आकृति में प्रकट हुआ अच्छा उस आकृति को हटा दिया हटाने के बाद गोल्ड रहेगी ना और जिस आकृति में आप परिणत करना चाहते हैं उस आकृति में तो दर्शन देगा है इसी तरह वृत्ति क्षण में एक काल में एक ही वृत्ति बनती है मन में ये जान याद रखना एक काल में एक ही वृत्ति सबसे पहली बात है दूसरी बात है
दूसरी वृत्ति जब बनेगी, पहले वृत्ति की जो आकृति जिस वस्तु के कारण आकृति बनी वो आकृति खत्म हो जाती है, तो वही पदार्थ दूसरे आकृति में परिणित होगी। फिर वो वस्तु जाने के बाद तीसरे जो पदार्थ आ जाएगी अंदर, तब वही पदार्थ उस आकृति में परिणित होती है। अच्छा, वो पदार्थ क्या है? चैतन्यम। अच्छा, इसके मतलब क्या है? एक वृत्ति माने क्या है? चैतन्य प्लस आकृति, वस्तु। वस्तु जिस वस्तु की आकृति, वस्तु। वृत्ति इज इक्वल टू चैतन्यम प्लस वस्तु आकृति। वस्तु आकृति तो बन जाएगी, वस्तु में आ जाती है। इसका मतलब क्या है? अभी ध्यान से सुनिए। उस वृत्ति से आकृति को निकाल दिया, क्या बढ़ेगा? चैतन्यम। वृत्ति माइनस आकृति इज इक्वल टू चैतन्यम, शुद्ध चैतन्य रहेगा। अब ये क्या कह रहे हैं? मेरा मन अभी तक विषय वासनाओं के द्वारा अलग रहकर अपना अस्तित्व का जो भी है अस्तित्व को संभालते आ रहा है। क्यों? वास्तव में मन का स्वरूप क्या है? चैतन्य। फिर चैतन्य में भिन्नता कहाँ से आ गई? क्योंकि आकृतियाँ अंदर चले गई, मन में उस आकृतियों के कारण मन ब्रह्म से अलग हो गया। अब ये महाराज कह रहे हैं, क्योंकि मैं साधना के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा सारे वासनाओं को खत्म कर दिया, फिर जो मन बचा है, मन उस सागर में एक इतना सा भाग में बहुत काफी है, पूरे ब्रह्म में क्यों मैं निमग्न हो जाऊं? एक थोड़ा प्रदेश में, मैं आप समझाने के लिए कह रहा हूं, इतना सा भाग में मेरा मन अंदर गया, विलीन हो गया। कहाँ गया? कैसे विलीन हो गया? क्योंकि वास्तव में मन ही ब्रह्म है, इसीलिए विलय हो गया। तो मन में आकृति आ गई तो आइसबर्ग बना, आइस बना, आकृति हट गई, पानी बनकर ब्रह्म में लीन हो गया। ये कह रहे हैं अभी। तो हमको क्या करना चाहिए? एम्प्टी द माइंड। अब मन में आदत हो गई मन को कि किसी ना किसी एक आकृति में ही, आकृति का धारण करके ही बैठने का आदत हो गया, हमने आदत कराया। और आकृतियां कैसे आ रही है? इच्छाओं से, इच्छाएं वासना है। जब आकृतियां खत्म हो जाएगी तो आप नींद में चले जाओगे, ब्रह्म में विलय नहीं होगा। हमको आदत है, आदत नहीं है मन का, मन की आदत नहीं है। मन को यदि शांत कराया गया नींद में चले जाती है। तो मन को शांत कराया, नींद में चला गया। बोलता है मन, अच्छा मेरे में मुझसे सारे जब मुझे खाली कर दिया मैं सो जाता हूं। सोए बिना उसको जगे रखना, जगा के रखना मन को और वृत्तियों को हटाना। योग चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो अंभोराशि विशीर्ण वार्षिक शिला भावम भजन में मनः। उसमें मेरा विलय हो गया, मेरा मन भजन में मन है भजन, कंटेम्पलेटिंग, मेडिटेटिंग ऑन दैट मनः में मनः,
यस्यांश शिलाशिलावे विलीन मधुना आनंद आत्मना निर्वृतिम यस्य अंशांशलवे विलीनम अधुना आनंद आत्मना निर्वृतिम। उसमें विलीन हो गया मेरा मन, अभी मैं अधुना माने अभी वर्तमान में मैं कैसे बैठा हूँ, आनंदात्मना आनंद रूपे होकर मैं निवृत्त होकर आनंद में प्रतिष्ठित हो गया, मेरा मन उसमें लय हो गया। अब मेडिटेशन समझ में आ गया कि नहीं आपको? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। बस यही मार्ग है। सो यस्यांशां सलवे विलीन मधुनानन्दात्मना निर्वृतम्। ओ ऐसे मन को, मेरा मन को ब्रह्म में, क्योंकि जो ब्रह्म में पड़ा पानी के अंदर गल गया, आकृति नष्ट हो गई, पानी पानी हो गया। और बूंद आइस आइस जो आइस जो बर्फ था पहले, बर्फ के रूप में जो था, बर्फ पानी ही था, तो उस पानी के अंदर क्या आ गया, आकृति रूप डायमेंशंस आ गया, नाप सकते हैं। ब्रह्म रूप सागरों कहां रूप नापोगे आप? उसी पानी का स्वरूप वाला जो बर्फ के रूप में था उसको आप नाप सकते हैं, अलग हो गया, वास्तव में उसका स्वरूप क्या था, पानी ही है। तो माइंड इज ब्रह्मन, फुल स्टॉप। व्हेन इज ए ब्रह्मन, माइंड माइनस थॉट इज इक्वल टू ब्रह्मन। वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा मन्तुम न वा शक्यते, स्वानन्दामृतपूरपूरित परब्रह्माम्बुदेर्वैभवम्, अम्बोराशविशीर्णवार्षिकशिलाभावं भजन्मे मनो, यस्यांशां सलवे विलीनमधुनानन्दात्मना निर्वृतिम्। बहुत बढ़िया है ना, ये है बात, ये अनुभव, अपना अनुभव बता रहे हैं। और शिष्य कहते हैं अभी, क्वगतम केन वानीतम कुत्र लीनमिदं जगत, अधुनैव मया दृष्टम् नास्ति किं महद्भुतम्। क्वगतं केन वानीतं कुत्र लीनमिदं जगत, अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं महदद्भुतम्। महदद्भुतम्। ओके, अब देखिए, अब सुनिए, अनुभव एक क्षण में हुआ समझो, जिस क्षण में अनुभव हुआ उस क्षण से पूर्व जो था वो सब खत्म हो गया है। बोलते अभी अभी मैं इस जगत को देखा हूं, अधुना एव मया दृष्टम, अभी अभी कुछ क्षण पहले मुझे जगत दिखाई दे रहा था, कुछ क्षण पहले। अभी नास्ते, अब तो नहीं है। किम महद्भुतम, ये क्या अद्भुत क्या है, अभी अभी
मैं इस जगत को, जगत माने इसका मतलब क्या है, जगत अंतर्धान हो जाएगा, जगत नहीं रहेगा, यह बात नहीं है। अभी तक जगत को नाम रूपों में, नाम रूप के द्वारा मैं देखते आया हूँ, भिन्नता के द्वारा, भिन्न दृष्टि को। अभी अचानक मुझे पता लगा ये नाम और रूप आकृतियाँ जो भी है सब कुछ ब्रह्म ही है, अचानक दिखाई दे, अरे अभी अभी हो गया, मेरे सामने हुआ। कुछ क्षण पहले था, अब महद अद्भुतम, ये ऐसे ग्रेट आश्चर्य है कि सब कुछ अंतर्धान हो गया। स्वप्न जगत, आप स्वप्न देख रहे थे, अरे अभी अभी देख रहा था, किसी ने जगा दिया, सारा स्वप्न, मीठा स्वप्न खत्म हो गया। मीठा मीठा स्वप्न देख रहा था, क्या कर रहे थे, रसगुल्ला मुंह में डाल रहा था, बस ऐसे रसगुल्ला टच होने वाला था, तू जगा दिया मुझे अभी अभी। इसलिए उस क्षण के लिए, उस अनुभव के लिए, उस ज्ञान उदय के लिए, ज्ञानोदय के लिए, उस प्राप्ति के लिए, एकता का अनुभव के लिए इंतजार में बैठते हुए हम सब मन को अंदर करके निवृत्ति अभ्यास करते हुए, वैराग्य अभ्यास करते हुए, वैराग्य के द्वारा और अभ्यास साधना के द्वारा उस क्षण के लिए इंतजार में साधक लोग बैठते हैं। जैसे चातक पक्षी होता है ना, चातक पक्षी, वो जब बारिश हो तभी वो पानी पीता है, तो इंतजार बैठता है। पहले बूंद उली लेगा, अब एक बूंद भी जाने नहीं देगा। हमने कई जन्म गंवा दिया और मनुष्य जन्म प्राप्त किए, कई बार नीचे गए होंगे। भाई भरत का उदाहरण देते हैं ना, जड़ भरत का उदाहरण, माने बेचारा एक हिरण के साथ प्रेम होने से हिरण बन गया। क्या हम तो क्या, हम कितने कितने वस्तुओं के साथ प्रेम करते बताओ, मोह। एक बार एक योग रहस्य कह रहा हूँ, एक योगा नहीं, एक योगी के द्वारा मैंने सुना है। ये महायोगी थे, उनके आश्रम में सफ़ेद सफ़ेद दो तीन बिछड़े हैं, बछड़े बहुत बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, गाय जो बच्चा है ना, जो छलांग मारता है, बहुत प्रेम सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। वो ना दो साधक लोग, उनके भक्त लोग हैं, ब्रह्मचारी थे दोनों, वो रात को सोने से पहले उन्हीं की ओर देखते हुए, उनको अच्छा लगा, देखो कितना सुंदर है, कितना ये है, कितना खूबसूरत है, कितना कैसे छलांग मार रहा है। और वहाँ पे एक कुत्ता और ये बिचड़ा खेल रहे थे, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, बच्चा दौड़ा है वो, ये भी दौड़ेगा, तो दूर के रुक जाएगा, फिर ये पीछे करेगा, तो ऐसा खेल भी चल रहा था, ऐसा सुंदर दृष्टि देख करके नींद आ गए, सो गए दोनों। महात्मा जी कहते हैं अगले दिन, योगी तुम दोनों को रात में मैंने दो बछड़े बना दिया स्वप्न में। बोला ऐसा क्यों, वासना हो गई तुमको, मैंने खत्म करा दिया। देखते 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 आपको एक मोह हो गया, प्रेम हो गया, देखने लगे, एक तरह का अटैचमेंट हो गया, भाव के साथ तादात्म हो गया आपको, तो आपको नींद में कल मैंने दोनों को बछड़ा बना दिया और कुछ देर दोनों के बीच में खेलवा दिया, फिर आपको सुबह खत्म हो गया वासना। पर हर बार एक गुरु कितना करेगा बताओ, जैसे कालिदास जी का सात जन्मों का जो भी है
हो गया ना क्षण में माता जी की कृपा से। देखिए उसी डाल में वह डाल को काट रहे थे, गिरने वाले थे, ऐसे कालिदास। उनको 7-7 जन्मों का जो भी कर्म है पार करा दिया माता जी। सो इस अनुभव के लिए बैठते बैठते वो कह रहे हैं, अभी अनुभव प्राप्त करने के बाद, क्वगतम, भाई कहाँ चला गया, केनवानीतम, किसने उठा के लेके गए जगत को, केनवानीतम, अभी अभी था मेरे सामने, अभी सब ब्रह्ममय हो गया, केनवानीतम, कुत्रलीनम। देखिए जान सुनिए एक बार, इंपॉर्टेंट कुत्रल में किसमें लीन हो गया, लीन हो गया माने देखो उदाहरण दे रहा हूं, जैसे नमक सागर से अलग था, नमक लीन हो गया और नमकता, नमक की नमक का जो जो डॉल है, पुतली है, नमक से बनी पुतली, सागर में गया, आकृति नष्ट हो गई, गल गया, विलीन हो गया। नहीं तो चीनी लेकर के दूध में मिला दिया, चीनी खत्म हो गया। इस तरह जगत विलीन हो जाता है क्या? फिर एक के अनुभव में विलीन हो गया, बाकी लोगों को अनुभव में है, इसका मतलब विलीन हुआ या ना हुआ, नहीं हुआ। न तो एक को, एक ज्ञानी है, ये उन्होंने जगत को विलय कर दिया तो बाकी सब लोग है, बाकी लोगों के लिए है ही जगत। सो इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस। जैसे कि उदाहरण देता हूं, घट मिट्टी में मिल गया। देखो साथ सुनिए, घट का नाश करे बिना घट को मिट्टी में मिलाया, विलय कर लिया, कैसे होगा? नहीं होता है। नाश करने करे बिना बुद्धि में आपको आकृति है, आपको ये समझ में आएगा ये मिट्टी ही है, ये आकृति मिथ्या है, ये समझ में आ गया, विलय हो गया कि नहीं? ये आभूषण सोना ही है, वास्तव में सब कुछ ब्रह्म ही है। अभी तक पूर्व क्षण तक मैं क्या देख रहा था? द्वैत को देख रहा था, नाम रूप को अलग अलग करके देख रहा था, अनुभवों को अलग अलग करके देख रहा था, दुनिया को मुझसे अलग करके देख रहा था, सुख दुख इत्यादि नाना प्रकार का संसार जो पड़ा है मेरे सामने, उसको मेरे से मुझसे भिन्न ऐसा करके मैं देख रहा था, इसके द्वारा कष्ट भोग रहा था। अब अचानक समझ में आ गया, दो दिख तो रह रहे मगर वास्तव में ब्रह्म ही इस रूप में है, ये है फर्क। लीनमिदं जगत, ये जगत लीन हो गया, विलीन हो गया। अधुना एव मया दृष्टम नास्ति किम महद्भुतम, अभी तक मैं देख रहा था नाम रूप में भिन्न के, भिन्न अनुभव से, अभी सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं एक क्षण में जान लिया। जैसे कि छोटे बच्चा वो कहेगा कि
तो शुगर कैंडी जो होती है, ये आकृति अलग है, मुझे जिराफी चाहिए, हाथी चाहिए, वो चाहिए, थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा बोलेगा जो भी है दे दो ना, सब मिठाई है। माने इसकी बुद्धि में ये समझ में आ गई कि आकृतियाँ अलग है, वास्तव में सब कुछ समझ आ गए। बाद में जितने करेगा वो जितने करेगा, सारे स्वीट्स जितने भी है दूध से बनी हुई होती है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमको नाम अलग दे दिया, एक दूध पेड़ा है, कलाकंड है, ये है वो है करके, काजू बर्फी, जो मूल पदार्थ एक ही है दूध। जिसको ये समझ में आ गया कि सब कुछ दूध ही है, मुझे कुछ मीठा खानी है, दूध से बनी मीठा खिलाओ, क्या खाओगे, अबे जो भी है खिला दो, क्यों, मैं जितने करता हूं। विजानन विज्ञानन भवते नाति अतिवादी, ना अतिवादी, इस ब्रह्म को जानने के बाद अतिवादी नहीं बनेगा, वो इंसिस्टेंस नहीं करेगा, अतिवादी नहीं बनेगा। इसी तरह महद्भुतम सब कुछ ब्रह्म ही है। किम हेयम किमुपादेयम किमन्यत किम विलक्षणम अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्ममहार्णवे किम हेयम किमुपादेयम किमन्यत किम विलक्षणम अखंडानंद पीयूष पूर्ण ब्रह्ममहार्णवे। देखिए अखंड आनंद पीयूष पूर्णे ब्रह्ममहार्णवे, आहा, अखंड आनंद रूपी इस ब्रह्म सागर में, देखिए, और पीयूष पूर्णे, पीयूष माने अमृतम, इस अखंड आनंद अमृत सागर में, इस सागर में किम हेयम किम उपादेयम, भैया क्या त्याज्य है, किसको छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अतिवाद नहीं बनेगा ना, अभी कह दिया जो मरा मुझे सब माया है, माया का खेल है, सब प्रातिभाषिक सत्ता है, सॉरी व्यावहारिक सत्ता है, लहरें उठ रही हैं, एक लहर के साथ मेरा प्रेम हो गया हो, दुखो दुखी होता हूं कि नहीं, एक लहरें उठ रहे हैं, फिर लहर फिर अंदर चला गया, ये दूसरा लहर आया वो भी अंदर चला गया, फिर बड़ा लहर आया छोटा लहर आया, बुलबुले उठते हैं। अब क्या उपादेयम क्या किमुदेयम किम उपादेयम किम हेयम, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, सब कुछ सागर ही सागर है। जैसे हो रहा है उन्हें दो सागर में, यदि सबको कुछ हो रहा हो होने दो, इट्स ए ब्यूटिफुल स्टेट, इफ यू स्टॉप इंसिस्टिंग यू आर सो लकी। बिकॉज अब देखो मैं समुद्र के किनारे बैठा हूं, क्या जिद कर सकता हूं, ये लहर नहीं उठना है, ये लहर उठना है, ये लहर मेरे पास तक आना है, ये लहर मेरे पास नहीं आना है, पागल है, जैसा खेल वैसा छोड़ने दो, छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है, सब ब्रह्म ही है। तो किम हेयम कहते हैं अभी, मैं कौन सा कुछ चीज को छोड़ू, किसको पकड़ो, क्या पकड़ो, किम अन्यत किम,
मुझसे अन्य क्या है, विलक्षण क्या है, इस आकंड अमृत सागर में सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। उस ब्रह्म महारणवे क्या द्वैत है, कोई द्वैत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा जो चलता है चलने दो, मैं तो ब्रह्म हूँ। एक दिन शरीर गिर जाएगा, गिरने दो, ये सब मिथ्या है। पहले कब है भाई, मैं मर गया हूँ, मैं मरूँगा, तो पहले आपको मृत्यु ही नहीं है। क्यों, किसने कहा कि ये शरीर को पकड़ के रखने का? इसे बच्चों को एक साल, डेढ़ साल या दो साल तक ये शरीर मेरा है ऐसा भाव नहीं होता। We just exist, they just exist. They don't have concept of birth and death. मैं जन्म लिया हूं, मैं मर जाऊंगा, ये सब थॉट नहीं होता है। They just live. Just live. So I am that pure consciousness, I exist, full stop. एक कभी कभी जैसे कि एक बात बताता हूँ, आप नदी में नहा रहे हैं, कभी एक एक डुबकी लगाया, उतर गया, ऊपर आया, कभी कभी आपको ना चार पांच पत्ते आकर घेर जाएंगे, कभी एक ना तो एक थोड़ा लकड़ी है घूम घूम पड़े पकड़ आ जाएंगे, हर एक हाथ से फिर निकालो। इसी तरह शरीर आया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं तो अनंत हूँ, बैठा हूँ ऐसे ही, मुझ में कभी कभी शरीर आ गया, लहरे उठ कुछ कुछ आ गया, कुछ आ पकड़ लिया मैंने, बस मेरे चार मतलब दूसरा डुबकी लगा दिया, वो चला गया, समझ में आ गया। व्हेन यू टेक सेकंड डिप, ऑल दैट व्हाट इज अराउंड योर नेक हैज गॉन। क्या उसके ऊपर अरे हाय राम कहाँ से आके मुझे पकड़ा, प्यारा है, छोड़ के चला गया, तो रोते क्या वहां पे बैठ के? दे दो आप डुबकी, लो पत्ते, बड़ा बड़े पत्ते होते, पत्ते होते हैं ना, बड़े बड़े पत्ते, सिर पे आके बैठ गया, उड़ गया तो टोपी जैसा उड़ गया, अरे सब लोग हंसेंगे, ये कहाँ से आ गया, चल चल निकालो यहाँ से। इसी तरह जन्म आना, जन्म जाना, शरीर आना, शरीर जाएगा, ये सब क्या है? मुझ में तो सबसे परे हूँ। मेडिटेट एंड मेडिटेट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज।